अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की यह खबर है गोशा महल ट्रैफिक पुलिस की जानिब से की गई माइनर ड्राइविंग व्हीकल चेकिंग को लेकर। जी हाँ, माइनर ड्राइविंग, जिसकी वजह से नौजवान जो कम उम्र 18 साल से कम उम्र के लड़के होते हैं उनके लिए किस किस चीज़ को लेकर परेशानी होती है। गोशा महल ट्रैफिक पुलिस ने मीडिया के सामने बयान देते हुए अच्छी बातें समझाई और घर वालों को भी चाहिए कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने ना दे। जब तक वो 18 साल की उम्र के हो जाते हैं, उनको जब ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूवल हो जाता है तभी उन्हें गाड़ी चलाने दे। कई ऐसे हादसे देखे जा रहे हैं कि 16-17 साल के नौजवान लड़के जिन्हें कुछ खबर ही नहीं है, किसी की जान की फिक्र ही नहीं है, वो स्टैंड करते हुए, करतबबाजी करते हुए कई बड़े बड़े सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हाल ही में हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि आराम घर से लेकर अत्तापुर तक एक नौजवान बाइक पर स्टैंड करते हुए गाड़ी पर से रोड पर से चिंगारियां उड़ाते हुए नजर आए। तो ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी कई तरह के मुहिम चलाई जा रही है, जैसे ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम और जो गाड़ी के दस्तावेजात दुरुस्त नहीं होते उस पर कई ऐसे सारे मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे ही गोशा में ट्रैफिक पुलिस ने माइनर ड्राइविंग को लेकर एक शऊर बेदारी प्रोग्राम करते हुए उन नौजवान बच्चों को समझाया जो 18 साल से कम उम्र में गाड़ियां लेकर सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। ऐसे में माँ बाप को भी चाहिए अपने बच्चों को 18 साल से कम उम्र के जो होते हैं उनको गाड़ी चलाने ना दें। इससे होता क्या है, बच्चों के पासपोर्ट नहीं बनते, क्योंकि माइनर ड्राइविंग का जब केस पड़ जाता है गाड़ी को लेकर तो इनके पासपोर्ट और इनके अहम दस्तावेजात बनने के लिए कई सारी दुश्वारियाँ आती है, क्योंकि पीसी सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। आजकल कहीं आप जॉब भी ढूंढने जाते हैं, जॉब भी करने जाते हैं तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर एक भी केस या पीटी चालान का केस भी बुक होता है वो ऑनलाइन बता दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। लिहाजा हम उन माँ बाप से भी अदबन गुजारिश करते हैं जो 18 साल के कम उम्र से बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं, जिससे उनके मुस्तकबिल में काफ़ी सारे अहम दस्तावेजात बनने के लिए मुश्किलात का सामना करना होगा। लिहाजा आइए देखते हैं गोशा महल ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये मुहिम चलाई गई और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मीडिया के सामने एक बयान भी दिया गया जो बहुत ही अच्छा मैसेज समझा जा रहा है। जो बच्चा जो है 18 साल से पहले गाड़ी चलाए तो माइनर ड्राइविंग पे केस बुक हो रहा, माइनर ड्राइविंग पे केस बुक हो गया तो उनका क्या बोलते हैं, उनका लाइफ रिस्क में आ जाता। क्यों बोले तो अपने पढ़ लिए थोड़ा बहुत, पासपोर्ट बनने की भी नहीं होता और गवर्नमेंट जॉब मिलने की भी ऐसा मुश्किल होता। क्यों बोले तो इन बचपन में इनको माइनर ड्राइविंग का केस है कि है बोल के बोलता कौन, एसबी इंक्वायरी वाला। ऐसा कुछ भी करो मगर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना ही करना, नहीं करे तो मुश्किल होता बोल के बोल रहा हूँ। थैंक यू। आजकल बच्चा क्या बोलते हैं, रेकलेस रोड नहीं तो हर जगह रात में खुली जगह है वहाँ पर स्टंट्स मार रही, स्टंट मारे तो क्या है फ़ायदा, क्योंकि एक एक टायर में निकाल के ऐसे ही जा रही, ये सब रिकॉर्ड होता ना, ऑफिसर साथ देखते रहते, जब क्या होता रूल्स स्ट्रिक्ट हो जाता। इसलिए ये स्टंट सा भी नको करो। क्यों बोले तो वो स्टंट करने से वजह से थोड़ा बहुत आप लोगों को खुश रहता, मगर क्या है कुछ तो भी छोटी गलती हो गया समझो, स्किड हो गया क्या होता जब मारा ज़्यादा लगते। इसलिए सबको बोल रहा हूँ रूल्स फॉलो करो, ये स्टंट सा नको करो बोल के रिक्वेस्ट है। थैंक यू एवरीबॉडी। इससे पहले सर क्या रूल्स नहीं है, स्ट्रिक्ट हो गया आजकल, छोटी गलती ट्रैफिक का गलती जो है छोटी करेंगे भी वापिस जा रही, इससे पहले ऐसा नहीं था, चलान 300 भी डाल देता, 100, 200, 300 ऐसा, अब कुछ भी नहीं है, खाली रिसीप्ट दे दे रहा और अकाउंट में जाकर वो बोलते, उसके बाद क्या है ऐसा रिसीप्ट दिया समझो अपना 3 दिन वेस्ट है, कि बोलते एक दिन काउंसलिंग का आने का रहता, एक दिन कोर्ट भी जाने का रहता, एक दिन गाड़ी लेने के लिए PSP जाने का रहता, छोटी गलती करेंगे भी वापिस जा रही। इसलिए बाइक पे जा रही हेलमेट पहनना मस्टर्ड सूट है, कार पे जा रही क्या करना सीट बेल्ट लगाना, और ऑटो पे जा रही वो कैब उसको पॉकेट रात की शर्ट भी पहने तो अच्छा है, वो उसके वजह से भी थोड़ा बहुत चलान डाल दे। और जो पैदल जा रहे ना रोड पे कहाँ चल रहा, साइड पे चल रहा, कोई भी साइड पे चल रहा, हाँ फुटपाथ पे चल रहा, फुटपाथ ये भी जाए अपने रोड को राइट साइड चल रहा, फुटपाथ हैदराबाद से जाना जाना पूरा क्या बोलते कब्जा हो गया, ये तो छोटी 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 चीजें कब्जा कर लेते, फुटपाथ ये तो जगह पर राइट साइड चले तो अच्छा है, राइट साइड बोले तो इसी तरह पीछे जो व्हीकल चला के लेंगे अपने हट सकते हैं अपन इधर उधर, इसी तरफ जा रहा समझो।
इसी जगह समझो पीछे कोई आगे देखिए पीड़ आगे मार दिया आपने क्या था ठीक है था ना ऐसा इसलिए बाइक से भाई वहाँ माइकल है माइकल समझ गया। आजकल क्या है बच्चे अपन देखे तो ड्राइव पे अच्छे चलाते अपन नहीं देखे तो ड्राइव पे उनका ड्राइविंग अलग ही रहता एक टायर में लेता ये तो ट्रिपल राइडिंग ये तो रॉन्ग रूट ऐसा चलते रहता ये बच्चों को भी गाड़ी समझ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।